What is up everybody, this is Shashwat from TechSource and today we will talk about 10 PS4 games जिसको आपको अभी खेल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक PS4 console है या आपने उसको अभी खरीदा है तो आपको उसका full use निकालना होगा, तो इसलिए आपको ये 10 games अभी खेल लेनी चाहिए क्योंकि next year PS5 console आ ही जाएगा नवंबर में। Official announcement नहीं है सोनी की तरफ से, पर most probably वो आ जाएगा जो cycle सोनी की बनती है तो all their consoles, so 10 PS4 games you should play right now, let's get started. So the पहला PS4 game जो आपको अभी जाके खरीद लेना चाहिए, जो मेरी opinion में जो हर gaming fan को खेलना ही चाहिए इस generation से, वो है GTA 5। of course Rockstar का favorite GTA franchise ने धमाल मचा दिया इस generation PS4 और Xbox One पे। हाँ, ये PS3 और Xbox 360 पे भी आया था, पर इसका remastered version जो PS4 पे आया वो absolutely amazing था। सो अगर आपने अभी तक GTA 5 नहीं खेला है तो आपको definitely ये game खेल लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए। इसका GTA Online awesome है इसका, और साथ में GTA 6 most probably PS5 पे आ ही जाएगा, तो मतलब GTA 5 एक ऐसा game है जो आपको miss नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ गो एंड प्ले दिस गेम एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज अमेजिंग। जो सेकेंड गेम मैं आपको रिकमेंड करूंगा PS4 पे अभी खेलने के लिए, वो मेरे ओपिनियन में है डार्क सोल्स 2। ये बहुत अमेजिंग गेम है, प्रिपेयर टू डाई इसकी टैग लाइन है, मतलब आप इस गेम को बिना मरे ख़त्म कर ही नहीं सकते। आप इसमें 10 15 20 बार मरेंगे एक एक बॉस फाइट में, मतलब बहुत डिफिकल्ट गेम है, पर इसको खेलने में जो मज़ा आता है, मतलब ये जापनीज बंडाई नैमको एज यू कैन सी राइट हियर का बनाया हुआ गेम है। हमेशा ये लोग अच्छे गेम्स बनाते हैं, टेकन फ्रेंचाइज भी इन्हीं लोगों की है और ड्रैगन बॉल सी इन सब के गेम्स भी यही निकालते हैं। सो मेरे हिसाब से ये गेम मिस करने लायक नहीं है इस जनरेशन की तरफ से, सो यू शुड प्ले दिस। तो मैं अगला गेम प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो JRPG फैंस का फेवरेट होगा, मुझे पहले से पता है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए डेविल मे क्राई डेफिनेटिव एडिशन। ये जो 2001 में जो डेविल मे क्राई आया था पहला वाला, उसका ये रिमास्टर्ड एडिशन है डेविल मे क्राई 1। सब बेस्ट गेम, बेस्ट JRPG आई एवर प्लेड। सो जब ये ड्रॉप हुआ मैं जाके इसको दूसरे दिन ही मैंने इसको खरीद लिया था। इट्स एन अमेजिंग गेम, यू शुड प्ले इट एज यू कैन सी रीबैलेंस गेम प्ले, क्लोज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट्यूम्स, न्यू ब्लडी पैलेस मोड, न्यू टर्बो, हार्डकोर मोड्स, 60 FPS सब है इसमें, डेफिनेटली वर्थ प्लेइंग फॉर। जो मैं अगला गेम आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट RPG ever रोल प्लेइंग गेम पीरियड, वो गेम है द विचर 3 वाइल्ड हंट। नो वर्ड्स फॉर दिस गेम, मतलब इट्स दैट ऑसम, मतलब यू कैन सी ओवर 300 अवार्ड्स रिव्यूज। मैंने इसको रिव्यू देके ही मैंने इसको खरीदा था, मतलब ये गेम खेलते खेलते बाल सफ़ेद हो जाएंगे, इतना लंबा है। 70 आवर्स का गेम प्ले इसका, और इसके DLCs भी आते रहते हैं। ये बहुत बहुत अमेजिंग गेम है, मतलब द साउंड ट्रैक, द मैकेनिक्स, द ग्राफिक्स, everything was amazing, top notch। मुझे पहली बार किसी गेम में लगा था कि इसके सिनेमैटिक्स से बेटर तो इसका रियल लाइफ ग्राफिक्स है। मतलब दिस गेम ब्लू मी अपार्ट इन एवरी सेंस, यू शुड प्ले दिस। जो नेक्स्ट गेम मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ वो काफ़ी लेटेस्ट रिलीज है रॉकस्टार की, आई थिंक आप उसको गेस कर चुके हैं अगर आप गेमिंग में हो तो, वो है Red Dead Redemption 2। ऑफ कोर्स ये रॉकस्टार का Red Dead Redemption 2, बहुत सालों से लोग इसका वेट कर रहे थे। PS3 पे Redemption 1 आया था जो एपिक था, ये गेम भी एवर सिंस में एपिक है मेरे हिसाब से। इस गेम में बहुत कुछ था, इसमें इसकी साइज 100 GB के ऊपर, 2 CDs में ये गेम आया है, आप इसे देख सकते हैं, 2 CDs एज यू कैन सी राइट हियर, एक डाउनलोड करने के लिए, एक रन करने के लिए, मतलब इसके लिए बहुत गेम्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस गेम को पिकअप करने वाले हो तो आपको एक हार्ड डिस्क भी ले लेनी चाहिए, कम से कम 2 TB या 1 TB, इस पर अपने गेम्स ट्रांसफर कर सको, या फिर यू कैन ऑल्सो ड्रॉप देम ऑन क्लाउड, जो प्ले स्टेशन की क्लाउड सर्विस है तो वो पेड है, सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको एक अपने हार्ड डिस्क में डाल दूँ। सो यू शुड डेफिनेटली प्ले दिस गेम, हार्ड डिस्क इज नॉट एन इशू, यू शुड डेफिनेटली प्ले दिस गेम, इट्स वर्थ इट। जैसे कि आप देख रहे होंगे जितने मैंने गेम्स अब तक आप लोगों को दिखाए हैं वो एक थर्ड पार्टी गेम्स थे, मतलब ये सब गेम्स PS4 और साथ में Xbox One पे भी थे, तो अगर आप Xbox यूजर हो तो आप इन सबको खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जो नेक्स्ट गेम है उसने Xbox वालों की पिछले साल जला दी थी, रियल सेंस में जला दी थी Xbox वालों की, और वो है Spider-Man PS4। इस गेम को मैंने 2 दिन में ख़त्म किया था, जिस दिन ड्रॉप हुआ था उसी दिन खरीद लिया था, मतलब इस गेम के लिए मैं सालों से वेट कर रहा था, मतलब दिस गेम वॉज सो एपिक, स्पाइडरमैन PS4, मतलब
इस गेम ने हर सेंस में हिला दिया. मतलब एक मार्वल फैन के लिए ये एक फैंटेसी थी. मतलब द बेस्ट स्पाइडरमैन गेम एवर इन माय ओपिनियन. मैंने स्पाइडरमैन 3 भी खेला था एक्टिविजन की तरफ से जो आया था अपने PSP पर, मुझे बहुत पसंद आया था. पर इसका कुछ और ही नशा था इस गेम में जो आप छोड़ ही नहीं सकते. नॉस्टैल्जिया एवरीथिंग. अभी भी इसकी DLCs ड्रॉप हो रही हैं. सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड पिक दिस अप एंड प्ले दिस. इसके प्राइसेस भी बहुत ड्रॉप हो चुके हैं. जो नेक्स्ट गेम मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो भी एक PlayStation एक्सक्लूसिव है. एज यू कैन सी Horizon Zero Dawn. ये गेम इसके प्राइसेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं. मतलब आप इसको Amazon पे किसी सेल में 900 rupees तक में खरीद सकते हो. मतलब इस गेम की ग्राफिक्स ने उड़ा के रख दिया था सबको. ये पहला गेम था जो PS4 Pro एडवांस था. मतलब इस गेम को आप PS4 Pro पे भी एडवांस ग्राफिक्स में खेल सकते हो सुपर सैम्पलिंग करके. मतलब इस गेम ने दिखा दिया कि PlayStation किस चीज़ के लिए कैपेबल है. एक्सबॉक्स को उसने ख़त्म कर दिया. मतलब एक्सबॉक्स की पूरी तरह हार हो चुकी थी जब तक ये गेम आया था. सबको पता था कि ये जनरेशन PlayStation ले जाने वाला है एंड इट डेफिनेटली डिड. Horizon Zero Dawn. जो नेक्स्ट गेम मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से हार्ड कोर गेमर्स को बहुत पसंद आएगा. मतलब इट्स अ वेरी टैक्टिकल गेम. बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है, बहुत टैक्टिक्स के साथ खेलना पड़ता है. और वो गेम है मेटल गियर सॉलिड 5 द फैंटम पेन. मतलब ये मेटल गियर सॉलिड जो बहुत लेजेंडरी सीरीज है, हिदियो कोहिमा द लेजेंड के थ्रू आई है हम लोग के पास, उसका ये मेटल गियर सॉलिड 5 द फैंटम पेन एपिक गेम था. इसको खेलने में बहुत टाइम लगा मुझे. बहुत टैक्टिकल गेम है. इसको आपको पूरा प्लान करना पड़ता है कि आप कैसे किसी एनिमी बेस पे अटैक करोगे. और इन एवरी सेंस दिस गेम वॉज वर्थ इट इन माई ओपिनियन. सो यू शुड गेट अ गो पिक दिस अप. काफ़ी सस्ता हो चुका है, 1200-1300 में मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन पे. मेटल गियर सॉलिड 5 फैंटम पेन. जो नेक्स्ट गेम मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने वो आई थिंक आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा उसको, लास्ट ऑफ अस. ऑफकोर्स ये PS3 पे लॉन्च हुआ था और PS4 पे. मतलब इसको रिमास्टर करके इसको अलग ही ग्राफिक्स के अलग ही हवाइयों पे पहुंचा दिया गया था. सॉरी फॉर दैट. जो भी हो तो क्या बोलते हैं, ये गेम आप देख ही सकते हैं, गेम ऑफ जनरेशन है ये, रिमास्टर्ड फॉर PS4. इस गेम को तो डेफिनेटली खेलना चाहिए. बहुत प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं. मेरे ख्याल से आपको ये बंडल के साथ भी मिल सकता है गेम में. सो अगर आपको ये पहले से मिल चुका है तो बिना कुछ देखे खेलना शुरू कर दीजिए. लास्ट ऑफ अस, कम ऑन. जो नेक्स्ट गेम मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों को पता होगा कि वो कौन सा होगा. और आई थिंक यू हैव गेस्ड इट राइट. इट्स द एनचार्टेड सीरीज. ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड रिमास्टर होके PlayStation 4 पे आए थे. साथ में एनचार्टेड 4 लेजेंडरी गेम है वो, ब्लू मेन एवरी सेंस वो तो है ही. साथ में अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी भी है. अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी बहुत ऑसम गेम है. उसकी अपनी एक अलग स्टोरी लाइन है जो काफ़ी इन्जॉयबल है. तो मे बी आप लोगों को जाके पूरे अनचार्टेड सीरीज एक बार ज़रूर खेलनी चाहिए. इट्स वर्थ इट. आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे, बिलीव मी. और जो आखिरी गेम मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है Assassin's Creed Odyssey. ऑफकोर्स Assassin's Creed के बहुत गेम्स आए हैं PS4 पे, सिंडिकेट और साथ में ब्लैक फ्लैग, साथ में अभी लेटेस्ट ओरिजिन्स आया था. पर मेरे हिसाब से ऑडिसी इज द मोस्ट कम्प्लीट Assassin's Creed एक्सपीरियंस वी गॉट ऑन अ PS4 कंसोल इन माई ओपिनियन. बाकी जितने पुराने गेम्स थी, जितने फ्लॉस थे, सारे इसमें फिक्स किए गए. इट्स एज ब्यूटिफुल एज द रेस्ट ऑफ दैन. एंशियंट ग्रीस दिखाया गया है. आप इसमें 2 कैरेक्टर्स के साथ खेल सकते हो, मेल एंड फीमेल. ऑफकोर्स ओरिजिन्स में भी आपको ये ऑप्शन मिला था, बायक जो मेन कैरेक्टर था उसकी वाइफ के साथ भी खेलने का. और पूरी तरह आप उसको ले के नहीं खेल सकते थे. आपको गेम अपने आप को स्विच करता था बिटवीन कैरेक्टर्स. बट इसमें आप अलग से पूरा एक कैरेक्टर बना के खेल सकते हो, जो काफ़ी ऑसम फीचर है. ये गेम अमेजिंग है इन माई ओपिनियन. आप लोग को अगर Assassin's Creed के शौकीन हो, मतलब आप कोई गेम के फैन हो, तो डेफिनेटली शुड गो एंड बाय पिक द Assassin's Creed Odyssey. प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं. सो मे बी येस दिस गेम इज वर्थ इट. यू शुड गो एंड प्ले दिस Assassin's Creed Odyssey. सो एंड में मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि मैंने फीफा और NBA टाइप के गेम्स को क्यों नहीं मेंशन किया है. तो मेरे हिसाब से जिनको इन सब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वही सब इनमें जाते हैं. पर स्टिल एज एन ऑनरेबल मेंशन यू शुड पिक 1 फीफा गेम एंड 1 NBA बिकॉज एंड ऑफ द साइकिल आ चुकी है और इन सबकी ग्राफिक्स एकदम टॉप नॉच हो चुकी हैं PS4 सिस्टम पे. सो इस समय अगर आप कोई भी फीफा गेम खरीदते हो PS4 पे तो एकदम खिला के रख देगा आप लोगों को. मैं खुद फीफा 20 को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, जो गिन के 1-3 दिन में लॉन्च होने वाला है. और मेरे पास आ जाएगा 4 दिन में क्योंकि मैंने उसको प्री ऑर्डर कर रखा है. सो उस पर भी मैं जल्दी से एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जरूर इस चैनल पे. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब थैंक यू.
If you haven't, please subscribe. See you in the next video.